हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी हम लोग का मेन एम रहेगा कि हम लोग कोरिलेशन एंड रिग्रेशन को ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो अभी तक कोरिलेशन एंड रिग्रेशन में हम लोग ने क्या क्या कर लिया है? हम लोग ने कोरिलेशन ख़त्म कर लिया है, हम लोग ने रिग्रेशन का बेसिक्स को ख़त्म कर दिया है, और रिग्रेशन के एडवांस में अभी तक हम लोग ने स्टैंडर्ड टेस्ट को ख़त्म कर दिया है, ठीक है। तो इस दौरान मैंने आपको बहुत सारे फार्मूलाज भी बताया, बहुत सारे टर्म्स से भी आपको इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। आपको मैंने क्या बोलते हैं जो आउटपुट टेबल था, ये जो आउटपुट टेबल है इसके साथ भी मैंने फेमिलियर करवाया। मैंने सारे टर्म्स जैसे RSS, SST और SSE और उसके बाद MSE, MSR, ओके, उसके साथ फेमिलियर करवाया, आर स्क्वायर के साथ फेमिलियर करवाया, आपको पहले पूरा समझाया कि क्या होता है, ठीक है। फार्मूलाज बहुत सारे आपको बताए, ठीक है। फिर उसके बाद हाइपोथेसिस टेस्टिंग में क्या क्या मेथड्स होते हैं, पी वैल्यू वाला मेथड, ठीक है, वो आपको बताया। पी वैल्यू के बाद मैंने आपको टी स्टैटिस्टिक के बारे में बताया, ठीक है। फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं वो आपको बताया, ठीक है। तो अभी तक अपने स्टैंडर्ड टेस्टिंग खत्म कर चुके हैं। तो स्टैंडर्ड टेस्टिंग बेसिकली क्या था, जिस पे हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू जो है वो जीरो होता है, ठीक है। अब अपने क्या करने वाले हैं, नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट करने वाले हैं। नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट का मतलब क्या होता है? नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट का मतलब होता है ऐसा टेस्ट जिस पे जो हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू है ना वो जीरो नहीं है, वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 250, 300 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो जीरो नहीं है हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू, तो उस केस में चीज़ एक ही रहता है, ठीक है, चीज़ एक ही रहेगा, लेकिन बस कुछ कुछ डिफरेंसेस है जो मेरे को बताने हैं, जिसके बाद ये चैप्टर का जो मेन पोर्शन है ना वो खत्म हो जाएगा, और उसके बाद अपने जो रिमेनिंग LOSs है उसको फटाक से कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे कि ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइज मैंने क्या किया है ना, मैंने इस वीडियो के साथ दो चीज़ें अटैच की है। एक तो मैंने जो एडिशनल नोट्स बनाए हैं, हैंड रिटन नोट्स जो मैंने बनाए हैं उसको मैंने इस वीडियो के साथ अटैच कर दिया है डिस्क्रिप्शन में। और उसके बाद मैंने क्या किया है ना, मैंने इस चैप्टर पे एक फार्मूला शीट बनाया है, ठीक है। तो मैंने एक क्विक फार्मूला शीट बनाया है जिसमें मैंने सारा का सारा फार्मूलाज भी इस चैप्टर का लिखा है और कुछ कुछ समरी भी इस चैप्टर का लिखा है, ठीक है। तो मैंने वो सारा फार्मूला शीट्स बना दिया है और उसको मैंने अटैच कर दिया है इस वीडियो के साथ, और प्लस मैंने अपने जो हैंड रिटन नोट्स है उसको भी मैंने अटैच कर दिया है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपका काम ये होगा कि आपको फार्मूला शीट जो है उसका प्रिंटआउट लेना है, ठीक है। आपको जो मेरा हैंड रिटन नोट्स है उसका प्रिंटआउट लेना है, ठीक है, और उसके बाद ही आपको ये वीडियो को देखना है, क्योंकि फिर वो हैंड रिटन नोट्स के साथ आप सिंक करके चल सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो वो फार्मूला शीट तो आपके बहुत ही काम की होने वाली है, तो मैंने उसको अटैच कर दिया है, ठीक है, मैंने सारे फार्मूलाज उसमें लिख दिया है, ओके। नाउ तो आपको कैसे पढ़ना होगा, मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि आपको चैप्टर को पढ़ना कैसे है, ठीक है। जब मैं ये वीडियो ख़त्म कर दूंगा तो उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको जिस ऑर्डर में मैंने इस चैप्टर को पढ़ाया है, ठीक है, सबसे पहले कोरिलेशन से, फिर रिग्रेशन का बेसिक्स, फिर रिग्रेशन का एडवांस्ड, उसी चैप्टर में, उसी ऑर्डर में आपको इस चैप्टर को पढ़ना है, ठीक है। यू हैव टू स्टडी द चैप्टर इन दैट ऑर्डर ओनली। तो पहले आप श्वाइजर लेंगे, श्वाइजर उठाएंगे, श्वाइजर से पहले तो मेरा वीडियो देखेंगे। तो कोरिलेशन पे मैंने कोई नोट्स को अटैच नहीं किया है, तो सबसे पहले आप श्वाइजर लेके बैठेंगे, उसके साथ साथ वीडियो देखेंगे, ठीक है। वीडियो देख लिया, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको मार्क कर लिया, अब पूरा का पूरा वो पोर्शन को आपको श्वाइजर से पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद आप रिग्रेशन के बेसिक्स में आएंगे, उसके बाद मैंने जो रिग्रेशन के बेसिक्स पे भी श्वाइजर से ही पढ़ाया है, ठीक है। तो श्वाइजर से क्या बोलते हैं, उसको आप लेकर बैठेंगे, वीडियो देखेंगे और उसके बाद आप उसको श्वाइजर से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो रिग्रेशन का एडवांस पोर्शन है, ठीक है, तो बेसिकली वीडियो 3 और वीडियो 4 में, ठीक है, जो अभी के वाला जो वीडियो मैं बना रहा हूँ और उसके पहले वाले वीडियो में मैंने नोट्स अटैच किए हैं, ठीक है, थेके? वो बेसिकली दोनों जो नोट्स है ना वो सेम ही नोट्स है, तो मैं उसको दो बार अटैच कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको कोई यू नो कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो वो नोट्स का आपको प्रिंटआउट लेना है, ठीक है। मैं श्वाइजर से बेसिकली ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैंने वहाँ पर लिख दिया है कि हर चीज़ के नीचे आपको कौन सा एग्जाम्पल देखना है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए, जो मैं अभी स्टैंडर्ड टेस्ट करवा रहा था ना, तो स्टैंडर्ड टेस्ट के नीचे जैसे कॉन्फिडेंस इंटरवल का कौन सा एग्जांपल है, पेज नंबर 139, ठीक है। तो वो एग्जांपल्स आपको साइमल्टेनियसली देखना है। तो आपको क्या करना है, आपको श्वाइजर नहीं उठाना होगा इसमें, आप रिग्रेशन का जो एडवांस पोर्शन है केवल मेरे नोट से ही पढ़िएगा, ठीक है। नोट से पढ़ लीजिएगा, नोट से पढ़ने के बाद आप श्वाइजर पढ़िएगा, पहले नोट से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं तो नोट से ही पढ़ा रहा हूँ ना, तो उसको पढ़ने के बाद फिर आप श्वाइजर से पढ़ेंगे। श्वाइजर से जब पढ़ लेंगे, साथ साथ में एग्जाम्पल सॉल्व कर लेंगे, तो आपका अंडरस्टैंडिंग देखिएगा एकदम कॉम्पैक्ट हो जाएगा। और ये जो एक्सेल शीट है ना, ये जो एक्सेल शीट है, जो आउटपुट है मेरा, जो मैंने ये बनाया है आपको दिखाने के लिए, मैं काम करूँगा इस वीडियो के साथ, ठीक है। इस वीडियो के साथ मैं इसका भी लिंक जो है इस शीट को भी अटैच कर दूंगा, ठीक है। तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में ये भी अटैच करके दे दूंगा। तो आपको ये शीट देखना है, ठीक है, इस शीट को आप एक्सेल में डाउनलोड कर लीजिएगा, ये तो एक्सेल का ही लिंक होगा, ठीक है। और उसके बाद आपको मैं एक्सेल शीट अटैच करने वाला हूँ,
मैं नोट्स को अटैच करने वाला हूँ और मैं एक फॉर्मूला शीट इस वीडियो के साथ अटैच करने वाला हूँ। तो उन सब चीज़ों को मिला के आपको इस चैप्टर को पढ़ना है, ठीक है ना। तो बेसिकली आपका स्टडी मटेरियल क्या होगा, आपका स्टडी मटेरियल होगा श्वाइजर, आपका स्टडी मटेरियल होगा मेरा जो नोट्स मैंने बनाया है वो, ठीक है। जहाँ जहाँ स्पेसिफिक एरियाज में मैंने नोट्स बनाया है वहाँ पर, जैसे कोरिलेशन में कोई नोट्स नहीं है तो वहाँ पर आपको सिर्फ श्वाइजर ही यूज़ करना है, रिग्रेशन बेसिक्स में कोई नोट्स नहीं है तो आपको वहाँ पर श्वाइजर यूज़ करना है, लेकिन आपका रिग्रेशन के एडवांस पोर्शन में नोट्स है तो आपको वो नोट्स यूज़ करना है, सबसे पहले उससे पढ़ना है। और मेरा जब वीडियो देखेंगे तब भी उस नोट्स को साथ में लेकर बैठिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको नोट्स से पढ़ने के बाद श्वाइजर से पढ़ना है। तो नोट्स और श्वाइजर दोनों पढ़ा आपने, दोनों जगह से अंडरस्टैंडिंग को उठा ली और साथ साथ में एक्सेल शीट को भी देख लीजिएगा, बस इतना सा काम है। तो इसी से आपका पूरा चैप्टर जो है वो कवर होगा और उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। क्यों मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ, मैं इतना डिटेल में अपने नोट्स भी बना रहा हूँ, श्वाइजर भी कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट हो, बहुत ही अच्छा हो, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि एकदम कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग हो जाए आपको इस चैप्टर का, क्योंकि ये चैप्टर आपका बेसिस बना रहा है नेक्स्ट चैप्टर के लिए। तो अगर आपका बेसिक चीज़ क्लियर नहीं रहेगा तो आप हार्ड चीज़ में नहीं जा पाओगे, इसीलिए मैं इतना डिटेल में जा रहा हूँ और इतना स्ट्रेस कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो वो फॉर्मूला शीट जो है उसको पूरा एकदम अच्छे से एक बार आप देख ले, ठीक है। ओके, तो ये इंट्रोडक्शन हो गया, तो मैं सारी चीज़ों को अटैच कर दूंगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब अपने स्ट्रेट बढ़ते हैं जो अपनों को करना है, ठीक है। तो देखिए, तो मैं अपने नोट्स में आ गया हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने स्टैंडर्ड टेस्टिंग तक करवा दिया था, अब अपने बढ़ते हैं नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट में। तो नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट, जैसे मैंने आपको बोला कि उस पर जो हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू होता है वो क्या होता है, जीरो नहीं होता है, इट मे बी एनी अदर नंबर, इट इज़ नॉट जीरो। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिया है केस वन में, टेस्ट वेदर द इंटरसेप्ट टर्म इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम 250। तो यहाँ पर हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू क्या है, 250 है, ठीक है। हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू जो है वो यहाँ पर 250 है, तो दिस इज अ नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट। तो यहाँ पर मेरा एच ए क्या होगा, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, बी जीरो ग्रेटर देन 50, और मेरा एच जीरो क्या होगा, बी जीरो लेस देन इक्वल टू 250, क्योंकि मैं सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम 250 बोलना चाह रहा था ना, तो मैं ग्रेटर देन 250 के बारे में बोलना चाह रहा था, ठीक है। तो ये मेरा हो गया। नाउ अब टी स्टैटिस्टिक अगर इसका निकालना है, तो टी स्टैटिस्टिक का मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, मैंने बताया था कि जिस चीज़ का आप हाइपोथेसिस कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, इंटरसेप्ट टर्म का कर रहे हैं, ठीक है, माइनस जो आपका हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू है कितना है, 250 है, डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड एरर जो है उसके बारे में आपको फिक्र करने का जरूरत नहीं है, आपको सब में दे दिया रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसे आप टी स्टैटिस्टिक निकाल सकते हैं, ठीक है। टी क्रिटिकल निकालने का आपको मेथड जो है मालूम है, ठीक है, क्योंकि ये एक राइट टेल टेस्ट है, ठीक है, ये एक राइट टेल टेस्ट है, क्योंकि आप देख रहे हैं नीचे पॉजिटिव है, ठीक है, तो एक राइट टेल टेस्ट है, तो इसका मतलब ये एक वन टेल टेस्ट है। तो वन टेल टेस्ट में आपको अल्फा बाय 2 नहीं करना, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बता दिया था। तो ये टी अल्फा सपोज 5% सिग्निफिकेंस लेवल है, तो 5% पे चेक करना है और एन माइनस 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, इट्स अ वन टेल टेस्ट, ठीक है, समझ में आ गया आपको। फिर नेक्स्ट केस 2 बोला है, टेस्ट वेदर स्लोप कोएफिशिएंट इज सिग्निफिकेंटली लेस देन 1, तो सिग्निफिकेंटली लेस देन 1 बोला है ना, ठीक है, सिग्निफिकेंटली लेस देन 1 बोला है, तो इट्स अ लेफ्ट टेल टेस्ट। तो इसमें आपको ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा, जो आप चाहते हैं वो आपका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है, ठीक है, हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि वॉट एवर यू वॉन्ट, जो आप चाहते हैं, जो आपका इच्छा है, वो आपका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा। तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या हुआ, पॉपुलेशन स्लोप कोएफिशिएंट लेस देन 1, तो उसका उल्टा क्या हुआ, नल हाइपोथेसिस, दैट इज पॉपुलेशन स्लोप कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। आपको फिर से एच जीरो को रिजेक्ट करना है और इसमें भी आपको पूरे के पूरे एच जीरो को रिजेक्ट करना है। तो हर जगह आप एक बार अपने मन में बायस फॉर्म कर लो ना कि हर जगह मेरे को नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट ही करना है। क्या करना है, हर जगह मेरे को नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है, ठीक है। तो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने का डिसीजन रूल आपको मालूम है, ठीक है, मेथड्स आपको मालूम है। तो एक अगर बायस आपके मन में बना रहेगा ना कि आपको रिजेक्ट करना है नल हाइपोथेसिस को, इस केस में रिजेक्ट करना है नल हाइपोथेसिस को, इस केस में रिजेक्ट करना है, तो जैसे ही आपका ये बायस फॉर्म हो जाएगा तो आपको चैप्टर और ईजी लगने लगेगा, ठीक है, यही मेरा मेन मकसद था, ठीक है। इट्स अ लेफ्ट टेल टेस्ट, तो अगेन एक लेफ्ट टेल टेस्ट अगर है तो आपको अल्फा यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वन टेल टेस्ट है, तो आप सिर्फ 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यूज करके निकाल सकते हैं, 2.5 नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए, स्टैंडर्ड टेस्टिंग में अपने तीन मेथड पढ़े थे, ठीक है, तीन मेथड पढ़े थे कि कैसे हम लोग उसका टेस्ट कर सकते हैं और कैसे अपने एच जीरो को नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं। वो तीन मेथड क्या था, एक बार अपने याद करें तो, एक तो था पी वैल्यू वाला मेथड। तो पी वैल्यू मैंने आपको ये ट्रिक बोला था कि अगर पी वैल्यू बहुत ही छोटा आ रहा है, ठीक है, अगर पी वैल्यू जो है वो बहुत ही छोटा आ रहा है, ठीक है, दैट मीन्स आपको एच जीरो को रिजेक्ट करना है। किससे छोटा आ रहा है, सिग्निफिकेंस लेवल से। फिर सेकंड था आपका टी स्टैटिस्टिक और टी क्रिटिकल। तो मैंने आपको बोला था कि जो लक्ष्मण रेखा होगा, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ एक बार, मेरे पास वो नोट्स है यहाँ पर, तो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये -1.96 है, ये 1.96 है,
तो ये आपका टी क्रिटिकल का वैल्यू है, ठीक है। तो टी क्रिटिकल आपने बिना कोई टेबल देखे, बिना कोई डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कुछ भी देखे, आपको एक बार अज्यूम करना होगा कि यहाँ पर -1.96 है, यहाँ पर 1.96 है, क्योंकि ये बेस वैल्यूज होता है। तो मैंने फिर आपको बताया था कि जो आपका टी स्टेटिस्टिक है, अगर वो बहुत बड़ा आया, ठीक है ना, तो आपको उसको आपको समझ लेना है उसी से कि आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। तो -1.96 और 1.96 को तो आपको अपना बेस बना के चलना है। और तीसरा मेथड क्या पढ़े थे अपने, तीसरा मेथड अपने पढ़े थे कॉन्फिडेंस इंटरवल वाला मेथड। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल आपको कंस्ट्रक्ट करना है, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल को कंस्ट्रक्ट करने का क्या मेथड था, सबसे पहले आपको क्या करना है, टी टेबल से टी क्रिटिकल का वैल्यू निकालना है, ठीक है। उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर देना है जो क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड एरर दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो टी क्रिटिकल इंटू स्टैंडर्ड एरर। अब आप जिस भी चीज़ का हाइपोथेसिस कर रहे हैं, सपोज इंटरसेप्ट टर्म, तो इंटरसेप्ट टर्म बी जीरो हैट प्लस टी क्रिटिकल इंटू स्टैंडर्ड एरर, बी जीरो हैट माइनस टी क्रिटिकल इंटू स्टैंडर्ड एरर। तो उसका आपने एक एग्जाम्पल भी किए थे, ठीक है, बी जीरो हैट प्लस टी क्रिटिकल इंटू स्टैंडर्ड एरर, बी जीरो हैट माइनस टी क्रिटिकल इंटू स्टैंडर्ड एरर। उससे आपका दोनों साइड का कॉन्फिडेंस इंटरवल निकल जाएगा, और फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका जो हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू है, जैसे मेरा स्टैंडर्ड टेस्टिंग में क्या था, जीरो, तो जीरो शुड नॉट लाई इनसाइड द कॉन्फिडेंस इंटरवल, इट शुड लाई आउटसाइड द कॉन्फिडेंस इंटरवल, मतलब टेल्स में जाना चाहिए, तो आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक अपने किए थे। यहां पर नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट में ना आपके पास दो ही मेथड है, ठीक है। आप सबसे पहले तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज याद में रखिए, मैं आपको ये फॉर्मूला और समरी शीट में भी जो मैं अटैच करूंगा उसमें लिख दूंगा, ठीक है, कि आप पी वैल्यू वाला जो मेथड है ना वो एक नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट के केस में नहीं यूज कर सकते। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पी वैल्यू मेथड कैन नॉट बी यूज्ड इन केस ऑफ अ नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट। आई रिपीट अगेन, पी वैल्यू मेथड कैन नॉट बी यूज्ड इन केस ऑफ अ नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट। व्हाई इट कैन नॉट बी यूज्ड, वो यूज नहीं हो सकता क्योंकि आपको ये 250 जो आप देख रहे हैं ना, 250 251, ठीक है, तो इनके करस्पॉन्डिंगली, इनके करस्पॉन्डिंग का जो पी वैल्यूज है ना वो आपको मिलेगा नहीं, वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो आपको यही याद रखना है कि पी वैल्यू कैन नॉट बी यूज्ड इन केस ऑफ अ नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट। जहां पर हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू जीरो से डिफरेंट होगा, ठीक है, वहां पर आप पी वैल्यू यूज नहीं कर सकते, यू कैन नॉट यूज इट, ये आप गार्ड बांध दो, ठीक है। आप पी वैल्यू कब यूज कर सकते हैं, सिर्फ तभी यूज कर सकते हैं जब आपका जो हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू है वो जीरो है। When the hypothesized value is zero, when you have a standard test, only then you can use a p-value. ठीक है, p-value वाला method अपने तभी use कर सकते हैं, वरना अपने p-value वाला method use नहीं कर सकते, ठीक है, okay. तो बचा आपके पास कितना method? अगर p-value वाला method गया, तो आपके पास दो method बचा, तो एक तो t-statistic वाला method बचा, ठीक है। तो देखिए, applied here because the p-value corresponding to the t-statistic is not available. p-value can only be used in a standard test. तो ये आप याद रखना, ठीक है। पी वैल्यू को आप सिर्फ स्टैंडर्ड टेस्ट पे यूज कर सकते हैं, जिसमें हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। आप नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट के केस पे यूज नहीं कर सकते, ठीक है। फिर तो आपके पास दो ही मेथड बचा, एक तो मेथड बचा कि आप टी स्टैटिस्टिक निकाले, टी स्टैटिस्टिक के साथ फिर टी क्रिटिकल को कंपेयर किए, तो जो मेथड उस पे था वही मेथड यहां है, तो समझाने का फिर से जरूरत नहीं है, ठीक है। और तीसरा मेथड क्या हुआ, तीसरा मेथड हुआ कॉन्फिडेंस इंटरवल का, ठीक है। तो यहां पर अपने दो ही मेथड यूज कर सकते हैं, पी वैल्यू वाला मेथड गया, ठीक है, तो उसको आपने यूज नहीं कर सकते। तो बचा कितना मेथड, दो मेथड, एक तो टी स्टैटिस्टिक को टी क्रिटिकल के साथ कंपेयर करो, और दूसरा कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालो, और वो जो हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू है सपोज 250, सो 250 शुड नॉट लाई इनसाइड दैट कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है, इट शुड लाई इन द टेल्स। और कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने का क्या तरीका, ये तो आपने जानते ही है, ठीक है, बी जीरो हैट प्लस माइनस टी क्रिटिकल इंटू स्टैंडर्ड एरर, बी वन हैट प्लस माइनस टी क्रिटिकल इंटू स्टैंडर्ड एरर, ठीक है, ये मैं आपको सिखा चुका हूं। तो स्टैंडर्ड टेस्ट के केस में याद रखिए कि आप तीन चीज यूज कर सकते हैं, p वैल्यू भी यूज कर सकते हैं, टी स्टैटिस्टिक टी क्रिटिकल भी यूज कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल भी यूज कर सकते हैं। लेकिन नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट में आप सिर्फ दो ही मेथड यूज कर सकते हैं, एक तो टी स्टैटिस्टिक को टी क्रिटिकल के साथ कंपेयर करने वाला मेथड, और दूसरा कॉन्फिडेंस इंटरवल वाला मेथड, ठीक है। तो दो ही मेथड आप नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट पे यूज कर सकते हैं। तो आपको स्टैंडर्ड टेस्ट और नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में समझ में आ गया, आई अज्यूम, ठीक है, ओके। तो इसके साथ चैप्टर का जो हैवी पोर्शन था, एक हैवी पोर्शन जो था चैप्टर का, उसको अपने खत्म कर लिए, ठीक है, हैवी पोर्शन को खत्म कर लिए। तो अब जो आने वाला है वो सिर्फ एक लाइट लाइट पोर्शन है, ठीक है। तो LOSH क्या है, LOSH है गिवन एक्स कैलकुलेट वाई। तो गिवन एक्स कैलकुलेट वाई कौन सा तोप का चीज़ है, यहाँ से आप मॉडल में बैठा कर आंसर नहीं निकाल सकते क्या, आपको तो पता है ना वाई हैट इज इक्वल टू बी जीरो हैट प्लस बी वन हैट इंटू एक्स, ठीक है, आपको वाई हैट, आपको वाई हैट निकालने को देगा, ठीक है, आपको y हैट अगर निकालने को देगा तो आप तो निकाल ही सकते हैं ना, क्योंकि सारा फिगर्स यहाँ से आपके पास अवेलेबल है। आपके पास b0 हैट का कोएफिशिएंट है, ये देखिए, ये रहा, आपके पास b1 हैट का कोएफिशिएंट है, ये रहा, ठीक है, आपके पास b1 हैट है, आपके पास b0 हैट है, आपके पास x का वैल्यू होगा क्वेश्चन में,
तो आप आपको तो बस क्वेश्चन में पुट करके निकालना है, बस खत्म बात। तो इसमें सीखने का क्या है, इसमें कुछ सीखने का नहीं है, ठीक है ना। कोएफिशिएंट्स को लेना है, B0 हैट का कोएफिशिएंट को बैठाना है, B1 हैट का कोएफिशिएंट को बैठाना है, जो एक्स का वैल्यू दिया हुआ रहेगा उसको बैठाना है, और वाई हैट का वैल्यू निकालना है। इस पे कौन सा बड़ा बात है, कौन सा तोप का चीज़ है, कुछ नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये LOS तो आप मान लीजिए कि बच्चा वाला चीज़ है, एकदम कंप्लीट है। LOSI, तो LOSI में भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। LOSI इज रेयरली टेस्टेबल, ठीक है। मैं उसको बोलूंगा कि रेयरली टेस्टेबल है, लेकिन रेयरली टेस्टेबल है इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग इसको छोड़ के चले जाए, ठीक है। LOSI बोलता है कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ वाई हैट। अब अपने डिपेंडेंट वेरिएबल का कॉन्फिडेंस इंटरवल बना रहे हैं, तो बेसिकली डिपेंडेंट वेरिएबल का कॉन्फिडेंस इंटरवल हो चाहे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कॉन्फिडेंस इंटरवल हो, चीज तो सेम ही होता है ना। कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाने का तरीका जो मैंने आपको पहले बताया, वही तरीका यहाँ पर भी लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो वाई हैट का वैल्यू दिया हुआ रहेगा प्लस माइनस टी इंटू SF करेंगे। SF का मतलब होता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ द फोरकास्ट SD ऑफ वाई हैट, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द फोरकास्ट स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई हैट। जो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई हैट का फोरकास्ट कर रहे हैं उसका जो जो देखिए जो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई हैट का फोरकास्ट कर रहे हैं उसका जो स्टैंडर्ड एरर है ना, उसको अपने SF बोलते हैं। तो ये जो SF है ना, वो आपको मोस्ट प्रोबेबली 99% आपको सम में प्रोवाइड कर देगा। तो ये SF को आप स्टैंडर्ड एरर जैसा सोचिए एक बार। जैसे आप अभी तक जो कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल रहे थे वो कैसे निकाल रहे थे, D0 हैट प्लस माइनस टी क्रिटिकल इंटू स्टैंडर्ड एरर, D0 हैट प्लस माइनस टी क्रिटिकल इंटू स्टैंडर्ड एरर, B1 हैट प्लस माइनस टी क्रिटिकल इंटू स्टैंडर्ड एरर। तो अगर आपको डिपेंडेंट वेरिएबल का कॉन्फिडेंस इंटरवल कंस्ट्रक्ट करना है तो भी आप वही तो करेंगे ना, वाई हैट प्लस माइनस टी इंटू समथिंग, वाई हैट प्लस माइनस टी इंटू समथिंग, दैट समथिंग इज द स्टैंडर्ड एरर ऑफ फोरकास्ट, ठीक है। इट इज नॉट द स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट, इट इज नॉट द स्टैंडर्ड एरर, इट इज द स्टैंडर्ड एरर ऑफ फोरकास्ट, टी इंटू SF, ठीक है ना, टी इंटू SF। ये SF आपको प्रोवाइड कर दिया रहेगा। अब ऑथर ने क्या किया है ना, इस SF का लंबा चौड़ा फॉर्मूला दे दिया है। ये रहा वो SF का फॉर्मूला, मैं इसको क्या बोलते हैं फॉर्मूला शीट के साथ अटैच कर दूंगा, ठीक है। तो अटैच मैं कर दूंगा फॉर्मूला शीट के साथ। तो ये देखिए, ये SF का फॉर्मूला है, SF स्क्वायर इज इक्वल टू SEE, तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट का स्क्वायर इंटू 1 + 1/n प्लस अल्फा आई माइनस एक्स द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस 1 इंटू SX का स्क्वायर, ठीक है। तो ये लंबा चौड़ा सा एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला को आपको याद रखने का जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक सेफ साइड में रहने के लिए आप मैं इस फॉर्मूला को फॉर्मूला शीट में मेंशन कर दूंगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला का कोई इंटरप्रिटेशन में भी आपको नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है ना। आई एम हैंडीकैप्ड इन गिविंग द इंटरप्रिटेशन फॉर दिस फॉर्मूला, क्योंकि ये फॉर्मूला इतना लंबा चौड़ा है और ऑथर ने बस इसको मेंशन करके छोड़ दिया है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल डिपेंडेंट वेरिएबल का कंस्ट्रक्ट करने देगा, ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला का यूज नहीं करना पड़ेगा मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन अगर यूज करना रह गया तो आपको सारा का सारा चीज प्रोवाइड कर देगा, जिससे आपको बस बैठाना होगा और आपको फॉर्मूला को यूज करना होगा, ठीक है। तो मैंने आपको क्या किया, SF स्क्वायर का फॉर्मूला बताया, कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल का, वो मैंने आपको बताया, ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। LOSJ क्या बोलते हैं, LOSJ बोल रहा है समरी आउटपुट टेबल। तो समरी आउटपुट टेबल जो है उसको मगअप करने बोल रहा है, बोल रहा है कि आप समरी आउटपुट टेबल को याद करो ठीक से। तो समरी आउटपुट टेबल ये है, ये तीनों टेबल को याद करने बोल रहा है। तो चलिए एक बार ये तीनों टेबल को एक बार पढ़ते हैं। तो सबसे पहले रिग्रेशन स्टैटिस्टिक्स का टेबल आता है, उसमें मल्टीपल मल्टीपल आर का मतलब क्या हुआ, कोरिलेशन। आर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। एडजस्टेड आर स्क्वायर का जो कॉन्सेप्ट है ना, एडजस्टेड आर स्क्वायर का जो कॉन्सेप्ट है वो अपने मल्टीपल रिग्रेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी मैं इसको नहीं छू रहा हूँ, हम लोग इसको मल्टीपल रिग्रेशन में ठीक से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड एरर पता है आपको, ऑब्जर्वेशंस N23 आपको पता है, ठीक है ना। फिर एनोवा का टेबल आता है, तो एनोवा का टेबल में एक तो रिग्रेशन आ गया, रिग्रेशन का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना होता है, के। के का मतलब क्या हुआ, द स्लोप कोएफिशिएंट, ठीक है। तो जितना इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उतना उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। लीनियर रिग्रेशन में कितना इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक, तो उसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना, एक। उसके बाद ये SS का मतलब क्या होता है, RSS, रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर्स। इसका मतलब क्या है, अगर 1000 इज द टोटल वेरिएशन बिटवीन वाई एंड वाई बार, सो हाउ मच इज एक्सप्लेन बाय द मॉडल, सपोज 800, सो दिस इज SS। MS का मतलब क्या है, दिस डिवाइडेड बाय द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। और F में अभी अपने आएंगे, ठीक है। तो एक बार अपने वेट करते हैं। ओके, नाउ रेसिडुअल आप जानते हैं, ठीक है, रेसिडुअल आप जानते हैं। उसके बाद ये देखिए, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना होता है इसका, n माइनस k माइनस 1, तो लीनियर रिग्रेशन में कितना होगा, n माइनस 2, ठीक है।
उसके बाद एस एस का मतलब क्या होता है, एस एस ई, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर एरर, इसका मतलब क्या होता है, अगर 1000 टोटल वेरिएशन है जिसमें से 800 मॉडल एक्सप्लेन कर रहा है तो 200 अनएक्सप्लेन्ड है, वो अनएक्सप्लेन्ड वाला पार्ट इसके अंदर घुस जाएगा, ठीक है। इसका एम एस का मतलब क्या होता है, एम एस सी, एम एस सी का मतलब क्या होता है, दिस डिवाइडेड बाय द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो अब जब अपने जब अपने एम एस सी निकालते हैं तो अपने कैसे करते हैं, रूट ओवर एस एस ई डिवाइडेड बाई एन माइनस टू, एस एस ई डिवाइडेड बाई एन माइनस टू, तो दिस बाई दिस, ठीक है, उससे अपना एम एस सी निकल जाएगा। और अगर अपने एम एस सी का रूट कर देंगे, अगर अपने एम एस सी का रूट कर देंगे तो अपना स्टैंडर्ड एरर निकल जाएगा, ठीक है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट अपने उसको बोलते हैं, ठीक है। नाउ टोटल आप जानते हैं, टोटल का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना होता है, एन माइनस वन, ठीक है, तो 23 माइनस 1 22। और इसका एस एस का मतलब क्या होता है, एस एस टी, एस एस टी का मतलब क्या हुआ, द टोटल वेरिएशन इन वाई अराउंड इट्स मीन। ओके नाउ आगे बढ़ते हैं, आगे का जो टेबल है वो देखिए, दिस इज इंटरसेप्ट टर्म, इसका कोएफिशिएंट आपको दिख गया है, ये स्लोप टर्म है, इसका कोएफिशिएंट आपको पता है, स्टैंडर्ड एरर, ठीक है, आपको दिया हुआ है, आपको ये आउटपुट टेबल में दिया रहेगा। टी स्टेटिस्टिक, तो टी स्टेटिस्टिक का अपने फॉर्मूला क्या पढ़े, टी स्टेटिस्टिक का फॉर्मूला था जिस चीज़ का आप हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहे हैं माइनस हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड एरर, तो आपका टी स्टेटिस्टिक आ गया। इसमें ट्रिक क्या था, इसमें ट्रिक आपका ये था कि अगर आपका टी स्टेटिस्टिक बहुत बड़ा आया है, जैसे यहाँ पर देखिए, आप अगर 1.96 और -1.96 को बेस मानकर चलते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप देखते ही बता देंगे क्या कि आपका एच जीरो जो है वो रिजेक्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पर भी आपका एच जीरो रिजेक्ट हो गया क्योंकि ये सब बड़ा बड़ा वैल्यूज है। फिर आपका पी वैल्यू क्या, आपको पता है पी वैल्यू जितना छोटा आएगा उतना अच्छा है, छोटा अगर आता है पी वैल्यू, ठीक है, तो आपका एच जीरो रिजेक्ट हो जाएगा, और ये सब आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल दिया हुआ है, ठीक है। ये सब प्रोबेबली हो सकता है कि आपको एग्जाम में कैलकुलेट करने को बोले, कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करने को बोल सकता है, लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। तो आपने इस टेबल को देख लिए, ठीक है, तो एल ओ एस जे तो यही बोल रहा था कि इस टेबल को मगअप कीजिए, तो हमने इस टेबल को मगअप कर लिया, ठीक है, इस टेबल को मगअप कर लिया। ओके नाउ तो ये वही टेबल है जो एक्सेल में दिखता है, मैंने यहीं से बनाया है, ठीक है, ये देखिए पूरा का पूरा टेबल मैंने बना दिया, ठीक है। ओके तो ये टेबल का भी, ये तो मैं पीडीएफ का आपको लिंक भेज ही दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उसको प्रिंट आउट निकाल के आप इस पूरे टेबल को देख भी सकते हैं, ठीक है। नाउ ओके टेस्ट ऑफ द ओवरऑल मॉडल। नाउ अब अपने इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक में आते हैं, ठीक है, लास्ट टॉपिक में आते हैं इस चैप्टर का, एफ टेस्ट में आते हैं, ठीक है। तो अभी तक जो हम लोग का बचा हुआ था एफ टेस्ट, उसमें आते हैं। तो बेसिकली एफ टेस्ट क्या होता है, एफ टेस्ट का मतलब होता है ओवरऑल मॉडल का टेस्टिंग, ठीक है, ओवरऑल मॉडल का टेस्टिंग को अपने एफ टेस्ट बोलते हैं। तो अगर सपोज आप मल्टीपल रिग्रेशन कर रहे होते हैं, तो मल्टीपल रिग्रेशन पे आपके पास मल्टीपल फैक्टर्स है, बहुत सारे इंडिपेंडेंट फैक्टर्स है आपके पास, तो अगर आप एक स्पेसिफिक पैरामीटर का टेस्ट करते हैं, जैसे एक स्लोप कोएफिशिएंट का, ठीक है, B1 का टेस्टिंग किए, B2 का टेस्टिंग किए, इंटरसेप्ट टर्म का टेस्टिंग किए, तो अलग अलग पैरामीटर्स का टेस्टिंग करते हैं, तो आप टी टेस्ट यूज करते हैं। अगर आपको पूरा का पूरा मॉडल को टेस्ट करना है, ठीक है, तब आपको एफ टेस्ट यूज करना होगा। तो पूरा का पूरा मॉडल सिग्निफिकेंट है कि नहीं, उसका जब आप टी टेस्ट करते हैं तो वी डू इट वाया एफ टेस्ट। तो बेसिकली ये जो एफ टेस्ट है ना, वो ना मल्टीपल रिग्रेशन का पार्ट है, लेकिन उसको लीनियर रिग्रेशन में घुसा दिया है, तो हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं, हम लोग यहाँ से ही इसका नॉलेज को उठा लेंगे, जिसमें मल्टीपल रिग्रेशन में हम लोग उसको अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो लीनियर रिग्रेशन में तो एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो यहाँ पर तो चाहे अपने टी टेस्ट करे चाहे अपने एफ टेस्ट करे, दोनों एक ही तो हो गया, क्योंकि एक ही तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होता तब अपने जब एक पर्टिकुलर पैरामीटर को टेस्ट करते तो वो टी टेस्ट होता, अगर पूरे मॉडल को करते तो वो एफ टेस्ट होता, लेकिन लीनियर रिग्रेशन में तो एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो टी टेस्ट और एफ टेस्ट इस चैप्टर में भाई भाई, टी टेस्ट और एफ टेस्ट इस चैप्टर में भाई भाई, ठीक है ना। तो आप टी टेस्ट यूज करिए चाहे आप एफ टेस्ट यूज करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ओके तो देखिए, द टेस्ट ऑफ द ओवरऑल मॉडल इज नोन एज एफ टेस्ट, इन लीनियर रिग्रेशन एफ टेस्ट एंड टी टेस्ट आर द सेम, ठीक है। नाउ एच जीरो, तो बेसिकली यहाँ पर आप हाइपोथेसिस क्या फॉर्म करेंगे, यहाँ पर आप हाइपोथेसिस आपको फॉर्म करना होगा कि वेदर द ओवरऑल मॉडल इज सिग्निफिकेंट और नॉट। तो अगर ओवरऑल मॉडल आप चाहते हैं सिग्निफिकेंट हो, तो सारा का सारा स्लोप कोएफिशिएंट्स जो है वो सिग्निफिकेंट होना होगा, ठीक है, सारा का सारा वेरिएबल्स जो है वो सिग्निफिकेंट होना होगा, सारा का सारा पैरामीटर्स। तो आपका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा एटलीस्ट वन ऑफ द B1 B2 BK आर नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, एटलीस्ट वन ऑफ द स्लोप कोएफिशिएंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, एटलीस्ट वन ऑफ द स्लोप कोएफिशिएंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, इट कैन बी मोर देन वन ऑल्सो, ठीक है, तो एटलीस्ट वन ऑफ द स्लोप कोएफिशिएंट जीरो नहीं है। और आपका इसका उल्टा क्या होगा, द मॉडल इज इनसिग्निफिकेंट, दैट इज नन ऑफ द स्लोप कोएफिशिएंट्स आर सिग्निफिकेंट,
मतलब सारा का सारा स्लोप कोएफिशिएंट जीरो आ रहा है, ठीक है, सारा का सारा स्लोप कोएफिशिएंट जीरो आ रहा है, ये मेरा ऑल्टरनेट, ये मेरा नल हाइपोथेसिस होगा। मेरा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा कि मैं चाहता हूँ प्रूव करना कि मेरा मॉडल सिग्निफिकेंट है कि नहीं, ठीक है। तो उसमें अगर मेरा एक भी स्लोप कोएफिशिएंट अगर सिग्निफिकेंट निकल गया तो मेरा मॉडल सिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो एटलीस्ट वन आउट ऑफ द बी वन बी टू बी के आर नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। और मेरा मेरा नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, द मॉडल इज फुल्ली इनसिग्निफिकेंट, मतलब कि नन ऑफ द स्लोप कोएफिशिएंट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो एक्चुअली अगर आप देखें तो ये एक बोथ टेल टेस्ट नहीं है, इसको अपने एक राइट टेल टेस्ट बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि अपने एटलीस्ट का बात कर रहे हैं, ठीक है, इट कैन बी मोर देन दैट ऑल्सो। तो जैसे ही मोर देन दैट आ गया वैसे यहाँ पर एक राइट टेल टेस्ट बन गया, ठीक है। तो इट इज एक्चुअली अ राइट टेल्ड टेस्ट, ठीक है। तो एफ टेस्ट होता है वो एक राइट टेल टेस्ट होता है, वो एक बोथ टेल टेस्ट नहीं हो सकता, ठीक है ना, इट कैन नॉट बी अ बोथ टेल टेस्ट, इट इज अ राइट टेल टेस्ट। तो आपको यहां तक समझ में आया, ओके, दैट इज इट इज अ टू टेल टेस्ट, ओके, राइट टेल टेस्ट, ओके। नाउ एफ क्रिटिकल और एफ स्टेटिस्टिक निकालने का क्या तरीका है, देखो एफ क्रिटिकल और एफ स्टेटिस्टिक निकालने का क्या तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कोई भी टेस्ट आप करते हैं उस पर सबसे पहले आपको स्टेटिस्टिक निकालना पड़ता है, और दूसरी बात आपको क्या निकालना पड़ता है, क्रिटिकल। पहले स्टेटिस्टिक निकालो उसके बाद क्रिटिकल निकालो, ठीक है, यही तो होता है ना। सबसे पहले एफ स्टेटिस्टिक कैसे निकलता है, तो एफ स्टेटिस्टिक यहाँ पर आपका मैंशनड है, ये देखो ये जो एफ है ना, ये एफ स्टेटिस्टिक कैसे आया, ये एफ स्टेटिस्टिक आया है एम एस आर डिवाइडेड बाई एम एस सी, ठीक है। एम एस आर डिवाइडेड बाई एम एस सी का मतलब ये है एम एस आर, ये है एम एस सी, तो इसको इससे डिवाइड कर दिया, इसको इससे डिवाइड कर दिया तो ये आ गया, ठीक है, इसको इससे डिवाइड कर दिया तो ये आ गया, ठीक है। तो ये आपका एफ स्टेटिस्टिक का वैल्यू आ जाएगा। तो एफ स्टेटिस्टिक का फॉर्मूला क्या हुआ, फिर से बोलो, एम एस आर डिवाइडेड बाई एम एस सी, मीन स्क्वायर्ड रिग्रेशन डिवाइडेड बाई मीन स्क्वायर एरर, मीन स्क्वायर्ड रिग्रेशन डिवाइडेड बाई मीन स्क्वायर्ड एरर, ठीक है। तो वो आपका एफ स्टेटिस्टिक का फॉर्मूला हो गया। नाउ एफ स्टेटिस्टिक इज इक्वल टू टी स्टेटिस्टिक ऑफ बी वन हैट का स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैं जब आपको लास्ट वीडियो में पढ़ा रहा था तब जहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट फार्मूलाज का एक छोटा सा लिस्ट बनाया था, तो मैंने आपको बोला था ना कि ये फार्मूला आप एक बार छोड़ दीजिए। तो अब देखिए ये फार्मूला आ गया कि एफ स्टेटिस्टिक को जो टी स्टेटिस्टिक है ना बी वन हैट का, उसका स्क्वायर से भी कंप्यूट किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो ये जो टी स्टेटिस्टिक है बी वन हैट का, इसका स्क्वायर अगर आप कर देंगे ना तब भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर बी वन हैट के टी स्टेटिस्टिक का स्क्वायर कर देंगे तो आपका एफ स्टेटिस्टिक आ जाएगा। तो एफ स्टेटिस्टिक निकालने का दो फार्मूला है, एक तो है एम एस आर बाई एम एस सी, एम एस आर बाई एम एस सी, और दूसरा है इसका स्क्वायर, टी स्टेटिस्टिक ऑफ बी वन हैट का स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब अपना स्टेटिस्टिक तो निकल गया, स्टेटिस्टिक निकालने के बाद हम लोग को क्या करना है, स्टेटिस्टिक निकालने के बाद हम लोग को अब क्रिटिकल निकालना है, ठीक है, और फिर हम लोग को स्टेटिस्टिक को उससे कंपेयर करना है। यहाँ पर हम लोग का मोटिव क्या है, हम लोग का मोटिव क्या है, यहाँ पर हम लोग को एच जीरो को रिजेक्ट करना है। पूरे चैप्टर में गाइज हम लोग को एच जीरो को रिजेक्ट ही तो करना है, और क्या करना है हम लोग को, वी हैव टू रिजेक्ट एच जीरो, वी हैव टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, ठीक है ना, यही तो हम लोग को करना है पूरे चैप्टर में। तो ये एफ टेस्ट कौन सा नया चीज आ गया, कौन सा तोप आ गया हम लोग के पास, ठीक है ना, ओके। सो देखिए, तो अब आपको एफ क्रिटिकल निकालना होगा। तो एफ क्रिटिकल निकालने का तरीका क्या है, एफ क्रिटिकल निकालने का तरीका है थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए, जो एम एस आर होता है रिग्रेशन, तो रिग्रेशन का जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है वो कितना होता है, के, अपने जानते हैं, ये ग्राफ से देखिए, ये रहा के, ठीक है। फिर नीचे क्या आता है इसके डिनोमिनेटर में, इसके डिनोमिनेटर में क्या आता है, एम एस सी। तो डिनोमिनेटर का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो कितना है, एन माइनस के माइनस वन, ये वाला जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये, ठीक है। तो ये होता है, ये देखिए, दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस। अब न्यूमरेटर का जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो कितना है, के। डिनोमिनेटर का जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो कितना है, एन माइनस के माइनस वन, दैट इज एन माइनस टू इन लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। तो आपका एफ क्रिटिकल कैसे निकलेगा, देखो एफ क्रिटिकल इज इक्वल टू एफ के कॉमा एन माइनस के माइनस वन कॉमा अल्फा। यहाँ पर अल्फा बाई टू नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक राइट टेल टेस्ट है गाइज, तो आप इसको बोट टेल में ब्रेक नहीं कर सकते, आपको अल्फा पे ही चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो के एन माइनस के कॉमा एन माइनस के माइनस वन कॉमा अल्फा, ठीक है। तो ऐसे आप f का जो टेबल है, f का टेबल, उसमें जाके इससे चेक कर सकते हैं, ये है न्यूमरेटर का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ये है डिनोमिनेटर के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और ये है आपका सिग्निफिकेंस लेवल। इससे आपका f क्रिटिकल निकल जाएगा, और आप जानते ही हैं, आप तो जानते ही हैं कि आपको क्या कर रहे हैं, आपका f क्रिटिकल निकल भी गया, ठीक है, आपका f क्रिटिकल और यहाँ पे आपका f स्टेटिस्टिक निकला है,
तो आप तो बिना कुछ किए ही जानते कि आपको क्या करना है। एफ स्टेटिस्टिक का वैल्यू अगर बड़ा आया, इफ एफ स्टेटिस्टिक इज अ वेरी बिग वैल्यू, ठीक है ना, एफ स्टेटिस्टिक इज अ वेरी बिग वैल्यू, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, एच जीरो को रिजेक्ट कर देंगे। जैसे यहाँ इस ग्राफ में एफ स्टेटिस्टिक का वैल्यू 216, अरे तो 216 तो आप जानते हैं कि टेल में लाइक करेगा, 216 तो आप वैसे भी जानते हैं बहुत बड़ा वैल्यू है, वो तो टेल में ही लाइक करना है, तो वैसे ही देखते ही पहचान जाएंगे कि क्या होगा, ठीक है। और ये जो सिग्निफिकेंस एफ दिया हुआ है ना, सिग्निफिकेंस एफ, इसका मतलब भी पी वैल्यू होता है, ठीक है, पी वैल्यू ही होता है ये, इट इज एक्चुअली नथिंग बट इट इज कॉल्ड पी वैल्यू, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर लिख के बता दे रहा हूँ, इसको भी पी वैल्यू ही बोलते हैं, ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पी वैल्यू। तो ये देखिए कितना छोटा आया है, ठीक है, तो पी वैल्यू जितना छोटा है उतना ही तो अच्छा है ना, तो ये तो ई में चला गया। देखिए ये फिगर देखिए, ये फिगर देखिए, ठीक है, ये फिगर देखिए, बहुत छोटा है, ठीक है ना, तो ये आपका पूरा टेल में चला गया। तो जो टी टेस्ट में करना था वही तो भाई एफ टेस्ट में करना है, जो टी टेस्ट में करना था वही तो एफ टेस्ट में करना है, तो कौन सा नया बात बताया मैंने, मैंने कोई नया बात नहीं बताया यहाँ पर, ठीक है, ओके नाउ, तो ये समझ में आया आपको। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं इसके ऊपर, देखो, तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है आपको, ये देखो, ये एफ टेस्ट के बारे में पूरा बोला है आपको, एफ स्टेटिस्टिक विद वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, तो देखो, फॉर सिंपल लीनियर रिग्रेशन देयर इज ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सो द एफ टेस्ट टेस्ट द सेम हाइपोथेसिस एज द टी टेस्ट फॉर द स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंट ऑफ द स्लोप कोएफिशिएंट। देखो, एच ए आपका है बी वन नॉट इक्वल टू जीरो, एच जीरो है आपका बी वन इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो ये यहाँ पर भी आपको ऑल्टरनेट और नल हाइपोथेसिस बताया, आपको नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है, ठीक है, लेकिन ये एक राइट टेल टेस्ट है, ठीक है, तो ये देखो, डी एफ न्यूमरेटर के इक्वल टू वन, डी एफ डिनोमिनेटर एन माइनस के माइनस वन, दैट इज एन माइनस टू, ठीक है। नाउ डिसीजन रूल भी आपको पता है, ठीक है, डिसीजन रूल तो आपको समझाने का कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। नाउ तो ये देखो, एफ इज इक्वल टू टी स्क्वायर ऑफ बी वन, ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, तो यही मैं आपको यहाँ से बताना चाह रहा था कि इसका स्क्वायर करने से भी आपका एफ स्टेटिस्टिक आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो ये देखते हैं एग्जांपल, यूज द कंप्लीटेड एनोवा टेबल फ्रॉम द प्रीवियस एग्जांपल एंड इंटरप्रेट द एफ स्टेटिस्टिक, टेस्ट द नल हाइपोथेसिस एज 5% सिग्निफिकेंस लेवल। तो आपको 5% पे ही टेस्ट करना है, इसको 2.5 नहीं बोल सकते आप, क्योंकि एक राइट टेल टेस्ट है, ठीक है। तो MSR by MSE है, तो MSR सपोज आपका इतना है, MSE सपोज आपका इतना है, ये आपके प्रीवियस एग्जांपल से लिया गया, तो आपका F कितना आया है, F का वैल्यू 6.33। अब आप क्या करेंगे, आपको F क्रिटिकल निकालना है, तो आपका K 1 है और N माइनस K माइनस 1, तो आपका टोटल ऑब्जर्वेशन अगर 36 है, तो 36 माइनस 2 कितना होता है, 34, ठीक है। तो न्यूमरेटर में 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिनोमिनेटर में 34 डिग्री ऑफ फ्रीडम, और फिर आपको चेक करना पड़ेगा। तो आप एक बार F डिस्ट्रीब्यूशन में अपने जाते हैं, F डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, ये टी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये देखो, ये एफ डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर द न्यूमरेटर अलोंग टॉप रो, तो टॉप रो में, ये देखो, टॉप रो में आपका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम न्यूमरेटर का है, ठीक है, और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर द डिनोमिनेटर अलोंग द साइड रो, तो ये साइड रो है, ये साइड रो में डिनोमिनेटर है, यहाँ पर न्यूमरेटर है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि उस एग्जाम्पल से डिनोमिनेटर में आपका कितना है, डिनोमिनेटर में था आपका 34 और न्यूमरेटर में कितना था 1, ठीक है, तो न्यूमरेटर में 1 और ये 5% में ही बोला है, ठीक है, तो 5% में बोला है न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में कितना, डिनोमिनेटर में 34, तो 34, तो आप कुछ 4.17 या फिर ले सकते हैं, ठीक है, 4.17 ले सकते हैं, या फिर वो लोग आपको प्रोवाइड कर देगा, तो आप देखते हैं वो लोग क्या लिखा है, ठीक है, 158 में जाते हैं, देखते क्या लिखा है, ये रहा एग्जांपल, ठीक है। द नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आर H0 B1 equal to 0 versus HA B1 not equal to 0. The critical F value for 1 and 34 degrees of freedom at 5% significance level is approximately, देखो लिख दिया 4.1%, ठीक है, तो 4.1 वहां से ले लिया, ठीक है, ओके, तो अब देख लो, क्रिटिकल वैल्यू 4.1 है, जबकि स्टेटिस्टिक का वैल्यू कितना है, 6.33, तो स्टेटिस्टिक किधर लाई कर रहा है, टेल में लाई कर रहा है, ठीक है ना, इट्स समथिंग लाइक दिस। ये जो डायग्राम मैंने बनाया है यहाँ पर, ये रहा, ये देखो, यहाँ लाई कर रहा है, ठीक है, यहाँ लाई कर रहा है, ये एफ क्रिटिकल है, इसके अंदर लाई कर रहा है, तो इसका मतलब एच जीरो क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, एच जीरो विल गेट रिजेक्टेड। रिमेंबर इट्स अ वन टेल टेस्ट, देखो यहाँ पर लिख दिया, इट्स अ वन टेल टेस्ट, ठीक है, ओके, सो वी यूज 5% एफ टेबल, देयरफॉर वी कैन रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एंड कंक्लूड दैट द स्लोप कोएफिशिएंट इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट देन जीरो। रिकॉल फ्रॉम द अर्लियर एग्जांपल्स दैट वी ऑल्सो रिजेक्टेड द नल हाइपोथेसिस यूजिंग टी स्टैटिस्टिक एंड दैट द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल डिड नॉट इंक्लूड जीरो, ठीक है, तो जो चीज़ आपने किए थे वैसे ही यहाँ पर करना है, ठीक है। तो यहाँ एफ टेस्ट भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, एफ टेस्ट भी आपको समझ में आ गया होगा ठीक से।
तो एफ टेस्ट और टी टेस्ट इस चैप्टर के लिए तो भाई भाई हो गए, ठीक है। तो अब ये चैप्टर अब खत्म होने ही वाला है, एकदम खत्म होने वाला है। बस एक लास्ट चीज इस चैप्टर में बाकी है, वो है लिमिटेशंस क्या है रिग्रेशन का। तो तीन पॉइंट यहाँ पर लिमिटेशंस में दिया हुआ है। पहला पॉइंट बोला है पैरामीटर इंस्टेबिलिटी। पैरामीटर इंस्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? पैरामीटर इंस्टेबिलिटी का मतलब होता है जो एक रिग्रेशन मॉडल के पैरामीटर्स होते हैं ना, वो अनस्टेबल है, मतलब दे कीप ऑन चेंजिंग, वो फिक्स नहीं रहते, चेंजिंग है, वॉलेटाइल है। तो जैसे B1, BT जो है, B2, B1, B0 ये सब जो है वो वॉलेटाइल बहुत है। फिर इन फाइनेंशियल मार्केट्स स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट मॉडल बिकम्स इकोनॉमिकली यूजलेस व्हेन इट बिकम्स पॉपुलर। अरे भाई, अगर मैंने कोई रिग्रेशन मॉडल बनाया, ठीक है, तो रिग्रेशन मॉडल को मैंने एकदम मतलब वो मार्केट में छा गया, लोग, कंपनीज, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस, एनालिस्ट, डेटा एनालिटिक्स एक्सपर्ट, सारे लोग उसी मॉडल को यूज़ कर रहे हैं फोरकास्टिंग में। तो जैसे जैसे उसी मॉडल को यूज़ करते रहेंगे तो उसका जो इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस है वो तो यूजलेस ही होता जाएगा ना। तो जैसे आप सोचो कि अगर आप एक ही चीज़ को बार बार यूज़ कर रहे हैं, हर बार आप उसी चीज़ से प्रिडिक्शन कर रहे हैं, तो हो सकता है ना कि उस चीज़ से अब लोगों का फेथ उठ गया है, ठीक है ना, वो इकोनॉमिकली यूजलेस बन गया है, ठीक है। तो जितना पॉपुलर एक मॉडल हो जाएगा, वो चाहे कितना भी स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट हो, लेकिन वो इकोनॉमिकली यूजलेस हो जाता है, ठीक है। और तीसरा है, यूजुअली द रिग्रेशन अजम्पशंस आर वायलेटेड बट दे आर नॉट रिपोर्टेड। तो जो जैसे जो अजम्पशंस मैंने LOSE में आपको दिखाया था ना, कि एक तो मॉडल रिलेटेड था, एक एरर टर्म के रिलेटेड था, तो ये बेसिकली इनका जो वायलेशन वाला पार्ट है ना, वो अपने नेक्स्ट चैप्टर में करने वाले हैं, दैट इज द मल्टीपल रिग्रेशन वाला चैप्टर। तो उस चैप्टर में अपने ये करेंगे, तो अपने सारे के सारे वायलेशन के बारे में सीखेंगे वहां पर इन डिटेल, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि रिग्रेशन का अजम्पशन वायलेट हो जाता है रिग्रेशन करते वक्त, लेकिन फिर उसको रिपोर्ट नहीं किया जाता, ठीक है। द अजम्पशन आर वायलेटेड बट द अजम्पशन आर नॉट रिपोर्टेड, ठीक है। तो ये तीन चीज है, एक तो पैरामीटर इंस्टेबिलिटी, एक तो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट मॉडल बिकमिंग इकोनॉमिकली यूजलेस बिकॉज ऑफ इट्स पॉपुलैरिटी, और तीसरा है कि रिग्रेशन अजम्पशन जो है वो वायलेट होता है लेकिन वो रिपोर्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ये तीन चीज आपका लिमिटेशंस हो गया रिग्रेशन का। तो इससे गाइज हम लोग ने पूरा का पूरा चैप्टर जो है उसको कंप्लीट कर लिया है। तो मैं इस वीडियो के साथ जो एक्सेल शीट है उसको भी अटैच कर दूंगा, मैं नोट्स को अटैच कर दूंगा, और मैं एक क्विक फॉर्मूला और समरी शीट को भी अटैच कर दूंगा, जिसका जिसके थ्रू आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, और आपको इस चैप्टर को श्वाइजर से भी पढ़ना होगा, जिससे इस चैप्टर का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज जो है आपको मिल जाएगा। तो आई होप गाइज ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा, ये मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। तो गाइज अगर मैंने कुछ भी गलत किया हो, अगर कुछ भी मेरे टीचिंग स्टाइल में गलत हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर किसी को भी सीखना है, अगर किसी को भी लीनियर रिग्रेशन सीखना है, कोई भी अटक रहा है इस चैप्टर के अंदर, तो उसके साथ प्लीज़ ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू, और मिलते हैं आपसे अगली बार।